एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये भी। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, ये दे रखा है आपके सामने 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर। तो यहाँ जो आपके सामने फिगर ऑलरेडी ले रखी है, इस फिगर के अंदर जो है आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ए बी सी, इसमें ए बी और सी आपने जो वर्टेक्स हैं ये एज ए सेंटर भी ले रखे हैं सर्कल्स के। तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि तीन सर्कल हैं, तो ए जो सेंटर है ये पहले सर्कल का, बी सेंटर है इस वाले सर्कल का, और सी सेंटर है इस वाले सर्कल का। तो आगे क्या बोलता है, यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई। ए सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस, ये हम बता चुके हैं, इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ। तो इसमें आप देख भी सकते हो कि ये सभी सर्कल्स जो हैं इन सबका इक्वल रेडियस है, और ये जो रेडियस है ये किसी मतलब एक साइड का आधा है। आप यहाँ देख सकते हो ना कि ये जो पॉइंट है ना सेंटर पॉइंट है। तो अगर इसकी कुछ लेंथ है, इसकी कुछ लेंथ है, तो उसकी आधी लेंथ जो है वो रेडियस होगी सर्कल्स की। आगे क्या बोला है उसने, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये ब्लू कलर का जो है इसका आपको एरिया निकालना होगा। तो इसमें हम पता क्या करेंगे, अब टेक्निक क्या लगाई जाए ये सोचते हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का पूरे का एरिया निकाल लेता हूँ, पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और उसमें से ये तीन सेक्टर माइनस कर दूंगा। कौन से तीन सेक्टर, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। ये तीन सेक्टर जो है ना, ये एक सेक्टर, ये आपका एक सेक्टर है कोई सा, और ये आपका दूसरा सेक्टर है, ठीक है, और ये आपका तीसरा सेक्टर है, ये मैं माइनस कर दूंगा। परंतु सबसे पहले आपको ना यहाँ पर इसका जो लेंथ है ना, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ जो है ये भी आपको निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक चीज़ रिक्वायर्ड है, एक फॉर्मूला रिक्वायर्ड है, वो है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बताइए क्या फार्मूला होता है, तो वो होता है एरिया ऑफ ई क्यू कर देते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल को शॉर्ट में ऐसे लिख दिया, वो होता है रूट 3/4 साइड का स्क्वायर बोलते हैं वैसे हम, तो ए स्क्वायर लिख देते हैं, और यहां पर जो ए स्टैंड फॉर आपका साइड, ठीक है, ए स्टैंड फॉर साइड। तो उसने ऑलरेडी ये दे रखा है, इतना एरिया दे रखा है, तो इतना एरिया आप लिख दीजिए 17320.5 एंड इट इक्वल्स टू, अच्छा ये रूट थ्री की वैल्यू भी उसने देखो क्या कहा है, उसने बोला है कि ये यूज कर लो, तो ये दे भी है, और ये देखो ये बहुत फायदा करने वाली है। तो रूट थ्री की वैल्यू भरने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ पर रूट थ्री की वैल्यू ये वाली यहाँ भरने जा रहा हूँ, तो भरता हूँ 17320.5 और अपॉन में 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये सीधे रखा है। अच्छा यहाँ पर एक काम करो, ये ना सबके डेसिमल को ना नीचे, आप जैसे इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, इसका डेसिमल हटाएंगे तो कितना आएगा, एक के बाद कितनी जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 5 जीरो आएंगी, तो लिख देते हैं, तो 17320.5 अपॉन में 10, और यहाँ पर क्या आएगा 17320.5 अपॉन में एक के बाद 5 जीरो, ये तीन हो गई, 2 और गुणा में 4 और ए स्क्वायर, तो क्या कट गया, ये कट गया भाई, तो इसको तो दो आप काट, अच्छा और एक ये भी कट गई, एक जीरो कट गई, ठीक है, तो ये 4 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, तो ये कितना आ गया आपका, ये 40,000 आ गया, तो अंडर रूट में आ गया ये, ठीक है। अच्छा माइनस क्यों नहीं लगा रहा मैं, क्योंकि लेंथ पॉजिटिव ही होती है हमेशा, नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए पहले से पॉजिटिव ले लिया, तो आपका 200 आ जाएगा, तो ये 200 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ आ गई, तो रेडियस कितना आ गया, रेडियस इसका आधा, देयरफॉर जो रेडियस है वो इसका आधा है, यानी कि 100 सेंटीमीटर आपका रेडियस आ गया, ठीक है। अच्छा तो अब जो है आपने रेडियस आप जानते ही हैं इसका, निकल के आ चुका है हमारा ये 100। अच्छा तो अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, अब हम इस ब्लू पोर्शन को निकालना चाह रहे हैं, तो लिखते क्या है, रिक्वायर्ड एरिया, अगर कुछ लैंग्वेज समझ में नहीं आती ना तो सबसे बेस्ट है रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया मतलब जो हमें चाहिए, जो फाइनल आंसर चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होना चाहिए, देखिए
आपने क्या करना है, जो ट्राइंगल का एरिया है उसमें से ये तीन सेक्टर्स का एरिया माइनस करना है। तो ट्राइंगल का एरिया तो ऑलरेडी आपके पास है ही, लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, माइनस करेंगे आपका ये एक तरह से देखा जाए तो तीन है ये, तो तीन सबके सब बराबर ही है, सेक्टर जो है तीनों सेक्टर का एरिया बराबर आएगा। तो थ्री थ्री की मल्टीप्लाई क्यों हुई समझ में आया, थ्री मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर जो आपको दिख रहे हैं, ये सेक्टर जो है ये ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थोड़ा सा मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये सेक्टर से मतलब ये ग्रीन कलर, ये इससे कहने का मतलब है मेरा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपको ऑलरेडी पता ही है, जो कि दे रखा था वो कितना दे रखा था, 172.0.5। तो यही लिख देते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखते हैं 172.0.5 और माइनस थ्री मल्टीप्लाइड में, बता सकते हो यहाँ डिग्री कितना, यहाँ पर कितना एंगल होगा, बिल्कुल यहाँ पर 60 होगा। तो फॉर्मूला लिख दो तो अच्छा है, नहीं तो डायरेक्टली लगा रहा हूँ यहाँ तो मैं, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और आर आपको पता ही है कितना निकल के आया था, 100, तो यहाँ पर 100 लिख दीजिए और 100 का स्क्वायर। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू भी डालने के लिए कही है उसने, देखो 3.14 ये भी डाल दो। अब इसको लिख दो 173.205 अपॉन में 10, और यहाँ पर कुछ कट रहा है तो काट लो, क्या क्या कट जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा यहाँ पर सीधा, 6 × 3 = 18, 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा 1/2, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड में 3.14 तो लिखना ही है, 3.14 यानी कि ऐसे करके इसके अपॉन में 100 कर दो, और मल्टीप्लाइड में 100 है इंटू एक और 100 है क्योंकि स्क्वायर था ना, तो 100 आप खत्म कर लो ये वाला, ठीक है। अच्छा अब क्या करो कि अब जो है ना ये 2 है ना, इसको 10 में कन्वर्ट कर लो, बेटर रहेगा, नहीं ऊपर नीचे 5 की गुणा कर दो ताकि नीचे आपका 10 ही रहे, और साथ साथ एलसीएम लेना, तो यहाँ पर 5 की गुणा करके इसको 10 बना दिया, तो 173.205 माइनस, यहाँ पर ऊपर आपने 5 की गुणा करनी है, 5 इंटू 314 इंटू ये वाला 100। अब आप ये देखो कि इसमें इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, मतलब बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है, तो ये आपका बन रहा है 173.205 माइनस 15700, ये आ रहा है, एक और जीरो आएगी हाँ, और अपॉन में 10। अब सब्ट्रैक्ट करके देख लो, तो ये आपका सोल्व करने के बाद आ रहा है 16205 अपॉन में 10, जो कि आप लिख सकते हो 16205 और लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइनल आंसर आ चुका है, कर दो हाईलाइट।